वेलकम माई पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं करने वाली हूँ DIY हॉल। सो जिन लोगों को नहीं पता कि DIY स्टोर्स क्या होते हैं, अगर आपने मिनीसो स्टोर देखा है तो सिमिलर उनके जैसे ही एक DIY स्टोर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट एंड अफोर्डेबल स्टफ मिलता है। चाहे आप बात करो अपनी एसेसरीज की, होम डेकोर की, किचन आइटम्स की, हर तरह के वहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरीज होती हैं और बहुत ज़्यादा मुझे चीप लगते हैं वो, मतलब अफोर्डेबल होते हैं, हर कोई उसको ईजिली अफोर्ड कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ DIY ईयरिंग्स हॉल। मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ ना जिस स्टोर पे, मैं हमेशा कोई ना कोई एक पेयर ज़रूर खरीद के लाती हूँ। मैं भी आपको जितने भी मैंने अभी रिसेंटली ईयरिंग्स परचेज़ किए हैं, मैं आप सब लोगों को ज़रूर दिखाऊँ, ताकि अगर आपको भी इनमें से कोई, अगर आपको शौक है क्यूट क्यूट ईयरिंग्स पहनने का, तो आप भी वहाँ पे ज़रूर चेकआउट करना। और मॉलमोस्ट जितने भी ईयरिंग्स हैं ना, उनका जो कॉस्ट है 100 रुपीज़ है, तो बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर टू, लेट्स गेट इन द वीडियो। तो गाइज, मैंने ना बहुत सारे की आउट ऑफ पैकेजिंग पैक दी थी, बट जितने भी ईयरिंग्स होते हैं ना, वो ऐसी पैकेजिंग में आते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। और जो उन पर प्राइस लिखा होता है ना, उससे कम में, मतलब हमेशा कोई ना कोई आपको 10% या 5% ऑफ लगा रहता है DIY स्टोर्स में सारे प्रोडक्ट्स में, तो आपको उससे कम प्राइजेस में ही चीज़ें मिलती हैं। तो मैं फर्स्ट आइटम शुरू करूँगी बहुत बेसिक ईयरिंग्स से, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी थे बीच में, जो कि है ये फ्लावर टाइप ईयरिंग्स। ये मुझे इनका कलर इतना ज़्यादा पसंद आया ना, मतलब पिंक फ्लावर, मतलब ये मैंने, आपने देखा होगा कि ऐसे फ्लावर शेप में ना बहुत सारे पेंडेंट चल रहे थे आजकल, तो मैंने, मुझे ऐसे जब ईयरिंग्स दिखे ना, तो मैंने पूछा, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने परचेज़ किए। और इनकी जो कॉस्ट है वो नियर बाई 40 या 42 रुपीज़ से मैंने परचेज़ किए थे। और मैं अभी आपको पहन के दिखाती हूँ कि कैसे लगेंगे ये वाले। तो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा प्यारे हैं ये, इनका कलर, इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे, जैसे कि पेस्टल में थे, येलो, ब्लू, ऑरेंज, पिंक। तो मैंने पिंक वाला चूज़ किया था, क्योंकि पिंक मेरे पास एज सच कोई ईयरिंग था भी नहीं। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा प्यारा है। सो फर्स्ट पेयर ये था। सेकंड पेयर की मैं बात करूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने परचेज किया था, जो कि ये फ्लेमिंगो करके ईयरिंग्स है। गाइस, इनके पास इतनी अच्छी अच्छी शेप्स में ईयरिंग्स है, जैसे कि फ्लेमिंगो हो गया, एप्पल, पाइन एप्पल, बहुत सारी कैटेगरी में ईयरिंग्स है। तो मुझे ये फ्लेमिंगो वाला काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। और जो इसका कॉस्ट था, मैंने इसको परचेज़ किया था 55 रुपीज़ में। और उनकी क्वालिटी भी अच्छी खासी है, मैं आपको ये वाला वेयर करके दिखाती हूँ। सो गाइज, ये कुछ ऐसे लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, और ये मुझे बेस्ट लगेंगे अगर आप डेट आउटफिट के लिए उनको वेयर करते हो, या फिर कॉलेज डे टू डे लाइफ के लिए वेयर करते हो। मतलब कॉलेज के लिए तो बेस्ट है ऐसे ईयरिंग्स के लिए एक्सपेरिमेंट करना। तो फर्स्ट और सेकेंड पेयर मेरा ये था। उसके बाद जो मैंने पेयर खरीदा है वो है ये वाला। ये मुझे, ये शायद ऐसे मिल्क शेक आते हैं ना, ऐसे टेट्रा पैक में ही वैसे है, जैसे अगर आपने देखा होगा मिल्क शेक्स और मिल्क की जो टेट्रा पैकेजेस होते हैं, कुछ ऐसे हैं। और इसमें लुक हाउ क्यूट इज दिस। और इनका कॉस्ट है अगेन 50 या 55 रुपीज़ के मैंने परचेज किए थे वाले। और इनको मैंने जब से लिया है ना, मैं इसको रोज़ वेयर कर रही हूँ, रोज़, मतलब ये हर आउटफिट के साथ मैच हो जाते हैं मेरे। मैं हर एक, मतलब मैं हमेशा ये वाले पहन के जाती हूँ। सी, बाद जो मैंने परचेज़ किया है ये बहुत ज़्यादा मुझे यूनिक लगा, तो लोग टाइप में, वैसे गोल्डन कलर का ग्लोब टाइप में है ईयरिंग्स। और इसके ऊपर ना ऐसे, मतलब अलग से और इसके ऊपर ना ऐसे अलग से स्टार भी लगा हुआ है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर, जो ग्लोब के ऊपर से अलग से स्टार लगा हुआ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। और बहुत एलिगेंट ईयरिंग्स हैं। तो ये काफ़ी, इसमें जो गोल्डन और गोल्डन और येलोइश गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। उसके बाद जो मैंने परचेज रिसेंटली परचेज किया था, वो है ये बटरफ्लाई शेप के। ये वाले भी बहुत ज़्यादा यूनिक ईयरिंग्स हैं। और इसके जो कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है ना इसमें, ब्लू और पर्पल का, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड गाइस, मैंने इस वाले ईयरिंग्स को ना 72 रुपीज़ में लिया था, आप देखें कितने अच्छे। तो गाइस, ये पहनने के बाद कुछ ऐसे लगते हैं, कितने, मतलब 3D इफेक्ट वाले ईयरिंग्स हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मुझे बटरफ्लाई शेप के बड़े अच्छे लगे। अगर आप इसके, मतलब ऐसे रिंग्स पहनते हो, तो आपको ज़्यादा स्टेटमेंट जो पीसेस होते हैं पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपके ईयरिंग्स भी बहुत ज़्यादा सही रहते हैं। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, इसमें आपके ऑलमोस्ट हर एक आउटफिट के साथ मैच करेगा, जैसे कि मैंने ब्लैक के साथ पेयर किया है। आप पेस्टल कलर्स के साथ पहनोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वाला। उसके बाद जो पेयर है कुछ ऐसे फ्लावर शेप में है,
ये जो मैं ऐसे ईयरिंग्स हैं ना, मैंने ज़्यादा इंस्टाग्राम स्टोर्स पे देखे हैं, बट उनके जो प्राइस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लस उनकी शिपिंग चार्जेस भी अलग होते हैं। गाइस सेकंड लास्ट पेयर मेरा ये वाला है और इसका कॉस्ट 75 रुपीज़ था और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये पहनने के बाद भी इतना क्यूट लग रहे हैं। ग्रीन और पेस्टल पिंक का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लास्ट पेयर है इस हॉल का वो है ये वाला। ये आई डोंट नो क्या है, ये थोड़ा फ्लावर शेप में पेटल टाइप लग रहा है। और जो ये वाला ईयरिंग है स्पेसिफिकली, इसका जो कॉस्ट था वो आई गेस 62 रुपीज़ या 65 रुपीज़ कुछ का था, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा डिसेंट है। मुझे अब पता चल रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट है थोड़ी ना, और इसका पेटल का शेप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ट्रांसपेरेंट है, उसमें जो पेटल का जो बाउंड्री बना रखी है पिंक कलर से। तो यार गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरा डी आई वाई इयरिंग्स हॉल अच्छा लगा हो। इन केस अगर आप कोई और हॉल देखना चाहते हो किसी भी स्टोर का या कोई ब्लॉग देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके बताओ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।